hello viewers how are you all hope you all are fine and safe so welcome back to my channel and today we were uh, actually we were studying about buddhist period education okay so now we are just moving further in this topic so our today's topic will be methods of teaching what are the methods followed during buddhist period for teaching purpose okay सो बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे कौन से मेथड किस तरीके से पढ़ाया जाता था कौन सा मेथड फॉलो किया जाता था सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज अन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके इट वाज ए वर्बल एडुकेशन ओके सो ऑरल एडुकेशन ऑरली पढ़ाया जाता था तो ये पहला मेथड था पढ़ाने का ऑरली सो इसमें क्या होता था टीचर विल स्पीक ओके

तो उस पीरियड में जब एडुकेशन दी जाती थी तो लिखने के लिए जो भी चीजें जैसे आज के डेट में पेन एंड पेपर यूज होता है उस जमाने में जो भी यूज होता था वो बहुत लेस था ओके सो लेस ऑफ राइटिंग मटेरियल इसलिए वो लोग चाहते थे कि वो लोग ज्यादा यूज नहीं करे क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी इसलिए ज्यादातर एडुकेशन औरल होता था ओके okay? उसके बाद वो डिस्कशन करके भी सिखाते थे सो so, डिस्कशन कैसे डिस्कशन मैंने किसी भी चीज या किसी भी टॉपिक को लिया एनी एनी टॉपिक एनी लेसन ओके वट डिस्कस ये हम आज भी जानते हैं कि अगर हम कोई चीज को सीख के अगर किसी से डिस्कस करें उस चीज को तो हम उस चीज को और अच्छे से सीख जाते हैं तो वहां पे डिस्कशन भी एक तरीका था और सिखाया फिर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर डिस्कशन करते थे किसी भी डाउट को किसी भी टॉपिक को एंड ये डिस्कशन एक अल्टीमेटली नॉलेज को बढ़ाता था ओके okay? उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका था वो था एविडेंस सो सो इसमें क्या होता था? एविडेंस में क्या होता था प्रूफ so, मतलब हर चीज को प्रूफ करना ओके? Okay? सो so, uh, हर चीज को प्रूफ करना अब जब प्रूफ करते थे तो वो uh, अगर हम किसी चीज को समझा रहे हैं तो उस चीज का एविडेंस मतलब प्रूफ होना चाहिए कि ये जो चीज बताई जा रही है वो सही है ओके okay? अगर सपोज इफ आवर मदर एंड फादर यूज टू टेल अस डेट हमारे जमाने में ये होता था तो हम पूछते थे क्या प्रूफ है क्या किया था क्या प्रूफ है आपके पास तो ये एविडेंस जो है इसका मतलब प्रूफ के साथ पढ़ाया जाता था कोई भी चीज अगर समझाई जा रही बताई जा रही है तो उसके पीछे लॉजिक ओके okay? कैन से लॉजिक या फिर एविडेंस या फिर कोई प्रूफ होता था जरूर उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो मेडिटेशन एक तरीका मेडिटेशन भी था ओके okay. जहाँ वो लोग एक ट्री के नीचे बैठ के या एक केव जो गुफाएं होती है उसमें बैठ के वो लोग ध्यान करते थे और मेडिटेशन करते थे और अपने माइंड को शार्प बनाते थे ओके okay. सो so, इस तरीके से एडुकेशन इम्पार्ट होती थी उस टाइम पे ओके अब ये जो आ, टूल्स हैं, ये इस तरीके से जो एडुकेशन दी जाती थी उस जमाने में ये कुछ वेज है और एक तरीका और भी होता था इसमें क्या होता था ना जो एडुकेशन जो गुरुज होते थे वो जगह जगह पर घूम के भी एडुकेशन देते थे ओके सो टूर्स तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते थे बुद्धिस्ट धर्म के बारे में बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में ओके और इस तरीके से भी वो अपना जो नॉलेज है वो या फिर अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करते थे कि हाँ हमारे यहाँ पे इस तरीके की एजुकेशन होती है ठीक है ना तो लोगों अवेयर होते थे बुद्धिस्ट धर्म के बारे में ओके अब ये कुछ तरीका ये मेथड्स हो गया मेथड्स ऑफ टीचिंग अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उस जमाने में स्टूडेंट लाइफ कैसी होती थी सो स्टूडेंट लाइफ आज के जमाने के जैसे नहीं होती आजकल तो हमें स्कूल्स में एसीज भी मिलते हैं बैठने के लिए लेकिन आ, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था वहां पे गुरुकुल में या फिर स्टडी प्लेस में जाने का रीजन ही यही होता था कि वो लाइफ में हार्ड बनना सीखे कैसे वो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को ले सकते हैं चैलेंजेस को ले सकते हैं ओके तो काफी टफ रूल्स होते थे ओके सो so उन्हें क्या होता था ज्यादातर चीजें डिसिप्लिन में करनी पड़ती थी जैसे बताया गया वैसे ही ओके उससे बाहर नहीं क्योंकि उससे बाहर जाने से उस सीमा या फिर उस रूल्स के बाहर जाने से वहां पे पनिशमेंट या फिर कोई और तरीके से उस चीजों को करेक्ट करने का वे वो लोग ढूंढते थे बेसिकली वो लोग डिसिप्लिन में और रेगुलेशन में स्टूडेंट्स को रहने के लिए कहते थे ओके एंड स्टूडेंट्स भी आ, बहुत अच्छे होते थे वो फॉलो करते थे जो उनसे कहा जाता था ओके सो डिसिप्लिन एंड रेगुलेशन ओके नेक्स्ट कम्स हारमोनियस ओके द स्टूडेंट शुड बी हारमोनियस मतलब उनके अंदर एक ऐसा सेंस होना चाहिए कि वो सबके साथ मिलजुल के सबके साथ हाथ बटाएं और उनमें एक एकता होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स होते थे अपने टीचर्स के साथ भले ही वो कनेक्शन हो या फिर आपस में स्टूडेंट्स पढ़ने वालों के साथ तो उनके अंदर एक हारमोनियस कनेक्शन होना बहुत जरूरी था ओके और हारमोनियस कनेक्शन होना प्लस इच अदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए हेल्पिंग ईच अदर ओके सो हेल्पिंग और हेल्प इच अदर टाइप थिंग्स होना चाहिए सो स्टूडेंट लाइफ काफी टफ होती थी हर लग्जरी चीजों को छोड़ देना ओके okay? हर चीज को त्याग कर देना उसके बाद में गुरु के मॉर्निंग से उठने से लेके वो जब तक सोने नहीं चले जाते उनको क्या चीज़ों की अपने गुरु को मतलब उनको क्या चीजों की जरूरत है ठीक है फिर आ, फूड खाना कलेक्ट करना फूड कलेक्ट करना बनाना क्लीनिंग करना जैसे वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था ना क्लीनिंग करना अपने आसपास के एनवायरमेंट को ठीक है ना अपने रूम को क्लीन करना सो so ये सब इनकी ड्यूटीज थी जो स्टूडेंट्स की ओके सो डूइंग यू कैन से इन सबको को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डूइंग डेली रूटीन डेली वर्क और यू कैन से डेली वर्क हर रोज का जो काम होता था वो सब करना ओके okay? अब स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या रूल होते थे अब जो स्टूडेंट्स है उनके रूल्स क्या होते थे अब जैसे उनको एडमिशन मिल गया वो रहने चले गए तो उनके लिए क्या रूल्स होते थे ठीक है डिसिप्लिन होता था सब कुछ होता था लेकिन वो डिसिप्लिन क्या होता था जैसे झूठ नहीं बोलना सबसे पहले तो लाई टोटली एवॉयडेड उनको झूठ नहीं बोलना है ठीक है उनको कोई भी टॉक्सिकेंट्स जो चीजें हेल्थ के लिए हानिकारक है वो चीजें नहीं यूज करना ठीक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन सो इन टॉक्सिकेंट्स जैसे अल्कोहल ओके अल्कोहल सो इन चीजों का सेवन नहीं करना कोई भी एनिमल को किल नहीं करना किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना ओके okay? एनिमल्स को किल नहीं कर सकते ये सब नो है ओके ये नहीं कर सकते अल्कोहल नहीं ले सकते झूठ नहीं बोल सकते ओके? ये सब नो में है उसके बाद नेक्स्ट आया वो किसी भी तरीके की चोरी किसी का सामान उठा लेना बिना पूछे ये सब चीजें अलाउड नहीं थी ओके टू तो स्टील द थिंग्स मतलब चोरी करना अलाउड नहीं था ओके उसके बाद कोई भी ऐसा एक्शन करना ऐसा प्रैक्टिस करना जो इविल हो पाप के बराबर हो या फिर जो शैतान लोग करते हैं उस तरीके की कोई भी इविल मतलब अच्छी चीजें नहीं बुरी चीजें कोई भी चीज जो हमें लगता है कि नेगेटिव है हमें पता है नेगेटिव है वो चीजें नहीं करना ओके उसके बाद किसी भी तरीके का गोल्ड और सिल्वर अगर आपको कोई जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या होते थे भिक्षुक होते थे है ना तो भिक्षुक स्टूडेंट्स को भी ये सिखाया जाता था कैसे भिक्षुक बनना है आपको हर चीजों को छोड़ के हर चीजों को त्याग करके ठीक है ना तो लेकिन भिक्षुक बनने के बाद या भी जब भी हम भिक्षा ले उसमें गोल्ड और सिल्वर की चीजें अगर कोई दान दे तो उसे अवॉइड करना है उसे नहीं लेना है ओके okay? और किसी भी तरीके का गुड लुक्स जो दे वो चीजें नहीं यूज करना कोई भी चीज जैसे ऑर्नामेंट हो गया मेकअप हो गया ये सब चीजें अलाउड नहीं थी ओके और यू कैन से कॉस्मेटिक्स ओके किसी भी तरीके की कॉस्मेटिक्स यूज करना और ये सब चीजें नॉट अलाउड ओके उसके बाद हर लग्जरी को छोड़ देना सो so, हर लग्जरी को छोड़ देना So, so, यानी कि हर आराम को छोड़ देना सो so, ये जो चीजें हैं ये कुछ ऐसे रूल्स है और भी डेफिनेटली रूल है एक्सेट्रा ये मैंने मेन रूल्स बताए हैं आपको कि अगर कभी एग्जाम में आ गया तो आप लिख सकते हो कोई भी चीज जो नेगेटिव है झूठ बोलना या फिर किसी का किसी को चीट करना किसी का धन अपना लेना बिना बिना उसे बताए उसकी चीजें उठा लेना ठीक है छल से या झूठ से किसी के भी चीजों को हम ले लेना ओके धोखा देना ये सब चीजें सो so, वहां पे नहीं करना है ओके वहां पे सबके साथ आपको मिलजुल के और एकता से रहना है अब ये जो नेक्स्ट आया अब हम नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने सो so, अब इसमें क्या होता था ना वुमेन्स का एडुकेशन उस टाइम पे कैसा होता था वुमेन्स वुमेन्स so, क्या होता था वुमेन्स का एडुकेशन बहुत लेस था ओके क्यों लेस था क्योंकि उस वक्त ऐसा मानते थे कि आर द ऑफ सोरो उस वक्त पे लोग ऐसा मानते थे बुद्धिस्ट पीरियड में कि वुमेन कॉजेस ऑफ सोरो है मतलब दुख का कारण है अगर हम किसी वुमेन के अटैचमेंट में रहेंगे या फिर किसी वुमेन के साथ रहेंगे तो हमें उससे अटैचमेंट होगा फिर हमारी फैमिली बनेगी तो डेफिनेटली वो एक sorrow की तरफ हमें लेके जाएगा तो इसीलिए क्या करते थे वुमेन्स के साथ कनेक्शन ना बने इसलिए उनको एडमिशन कम दिए जाते थे उस लेकिन एकदम ना के बराबर ही था आप समझ लीजिए लेकिन कुछ टाइम बाद में ये रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया उसके बाद एटलीस्ट फाइव हंड्रेड वुमेन्स वेयर अलाउड सो कम से कम पांच सौ वुमेन तक वो लोग एडुकेशन लेना अलाउड कर देते थे ओके okay? सो so, उस समय पे वुमेन्स का एडुकेशन बहुत ही लो चला गया था ओके okay? अब जब एडुकेशन लेते थे उस टाइम पे तो एडुकेशन लेने के टाइम पे बेसिकली जब बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया जाता था तो बुद्धिस्ट धर्म को अपनाने के लिए उन्हें तीन वाक्य बोलने पर तीन सेंटेंसेस बोलने पड़ते थे जैसे हमने पढ़ा ना पवज पवज सेरेमनी करते थे बच्चों की ओके तो अब उसको लेने के पहले वहां पे तीन लाइनें बुलवाई जाती थी जो है बुद्धम ओके बुद्धम शरणम आई थिंक यू हैव हॉर्ड ऑल्सो दिस इज वेरी कॉमन लाइन ओके बुद्धम शरणम गच्छा ओके सो ये फर्स्ट लाइन उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होती थी इसे ओट्स कहते हैं ओके देन धर्मम शरणम ओके शरणम धर्म ओके देन नेक्स्ट द लास्ट लाइन इज संघम ओके संघम शरणम गच्छामी ये so, ये थ्री ये जो तीन लाइनें हैं ये पहले किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन देने के पहले उनसे बुलवाई जाती थी जो ये प्रूफ करता था कि वो अब बुद्ध धर्म में एंटर कर चुके हैं और उसके बाद वो लोग एडुकेशन प्रोवाइड करना शुरू करते थे बुद्धम शरणम गच्छामी का मतलब द पहली लाइन का मतलब ये है कि हम पूरे तरीके से इस धर्म में आ चुके हैं और हम बुद्ध के बुद्ध भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे एंड धर्म मतलब अपने धर्म की प्रोटेक्ट धर्म हमारा जो धर्म है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे उसे फॉलो करेंगे संगम मतलब ये जो uh, मिलन है हमारा धर्म से और बुद्ध बुद्ध की गाइडेंस से उसे हम आगे लेके चलेंगे सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉमिस यू कैन से ओके टेकन बाय द Students before taking an admission. Okay, so this is something more about Buddhist education. Hope this is helpful for you. Do like my video and subscribe my channel for more such videos. Thank you and have a great day.